वो मनोरम दृश्य जिसमें भाभी जी अपने बाल्यावस्था में झूला झूला करती थी, वो देखने से तो हम वंचित रह गए। लेकिन आज भाभी जी अपने यौवन के चरम शिखर पर है, आज हम भाभी जी को झूला झूलते हुए देखने से कैसे कैसे वंचित रह सकते हैं भाई। आज हम उन क्षणों का भरपूर लाभ उठाएंगे। भाभी जी, भाभी जी, तिवारी जी आप आवाज लगा। ये देखिए भाभी जी। वाह, झूला। हाँ भाभी जी, झूला। वाओ तिवारी जी, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू, आई लव यू टू जी। मतलब ये तो हमारा फर्ज था भाभी जी। लेकिन अफसोस तिवारी जी। अरे अफसोस किस बात का भाभी जी? इसीलिए क्योंकि मैं झूले पे नहीं बैठ सकती। नहीं नहीं भाभी जी, ये आप क्या बात कर रही है, बड़े दिल से हमने ये झूला लगाया। भाभी जी आप ऐसी बातें कर रही हैं? तिवारी जी, वो झूले पे बैठना बचपन की बात थी, अब मैं इस वक्त झूले पे बैठूंगी तो लोग हंसेंगे, मुझ पर मजाक उड़ाएंगे। भाभी जी, जो आपका मजाक उड़ाएंगे ना, हम उसके गुर्दे छील देंगे। हम सच कह रहे हैं भाभी। देखिए अब ऐसा ना कीजिए, बैठिए ना भाभी। नहीं 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 तिवारी जी, फिर भी नहीं। नहीं भाभी, देखिए आपको हमारी कसम है। अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। बिल्कुल बैठिए भाभी जी, आइए आराम से। आइए तिवारी जी, बहुत मजा आया। तिवारी जी जी, मेरे ख्याल से ना आप भी झूले पे बैठिए। हम भाभी जी? हाँ आप बैठिए ना, आप बैठेंगे और मैं आपको झूला दूंगी। आप झूला झुलाएंगी भाभी जी? आप, अरे आपका कहा हम कैसे टाल सकते हैं। तिवारी जी तैयार है? जी भाभी जी। हाँ कैसा लग रहा है तिवारी जी? चरम आनंद की प्राप्ति हो रही है भाभी जी। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। और झूला झूलेंगे? बिल्कुल भाभी जी। अच्छा ठीक, मैं और झूलाती हूँ। जी भाभी जी। तिवारी जी कैसे लगी आपको मेरी शरारत? अच्छी लगी भाभी जी। गद्दा तो लेके आइए, बिछाते हैं। हाँ, 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 लेकर आते हैं। अरे भाभी जी मुझे दीजिए, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं दीजिए मैं। भाभी जी मैंने कुछ दिन हाउसकीपिंग में काम किया था तो करे हैं। हाँ भाभी जी आइए बैठिए। भाभी जी हमने सुना था भाभी जी कि आपके जो है वो चेहरा लाल हो गया है। अरे ये तो वाकई लाल हो गए भाभी जी। हाँ तिवारी जी, धूप से ना मेरी सारी त्वचा जल गई। ओहो भाभी जी, आप कहें तो हम कश्मीर की सर्द हवाएं खास आपके लिए यहाँ कानपुर में ले आए। तिवारी जी आप कश्मीर की सर्द हवाओं की बात कर रहे हैं? यहाँ इस पंखे से भी हवा नहीं आ रही है। लाइए हमें दीजिए, हम आपके लिए पंखा झलते हैं। लाइए भाभी जी। थैंक यू तिवारी जी। बस भाभी जी हमारा बस चले तो हम जिंदगी भर आपके साथ यूं ही हवाबाजी करते रहे। जी जी, मतलब बस हम तो इस गर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे थे भाभी जी। तिवारी जी आप गर्मियों का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? कोने में, अरे रात को यही आंख लग गई थी क्या? लगा जो पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग भाभी जी। मीनल क्या बताऊं यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पता है कल रात को वो ना गधे की तरह मुंह से फुर्र फुर्र ऐसे आवाजें निकाल रहा था। हाँ और कह रहा था कि मेरा घास खाने का मन करता है। बता भाभी जी घर पर हैं? अरे मीनल सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो मेरे पड़ोसी आ गए। हाँ चल पाए। क्या क्या बात है भाभी जी, आपके इटालियन टाइल्स जैसे चमकदार चेहरे पर चिंता की परत काहे लग रही है? क्या नहीं मतलब आप चिंतित काहे लग रही है? नहीं
नहीं, आपने कुछ इटालियन टाइल्स ऐसा कुछ आपने कहा था। जी, इटालियन टाइल्स जैसे चमकीले चेहरे पर। आपको मेरा चेहरा इटालियन टाइल्स लगता है? नहीं नहीं भाभी जी, हम तो तुलना कर रहे थे, तुलना। आपको तुलना करने के लिए सिर्फ इटालियन टाइल्स ही मिली थी? तो क्या है ना भाभी जी की, वो जो इटालियन टाइल्स होती है ना, बहुत ही चिकनी होती है। चिकनी चिकनी, चिकनी हो बहुत ज्यादा। What? नहीं भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये था। तिवारी जी, आपका ना तात्पर्य कभी कभी बहुत ही वाहियात होता है, आप इसे काबू में रखा करिए। तो वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से आप अपना अलग ही सुर छेड़ते हैं। हम क्षमा चाहेंगे भाभी जी, आप इतनी चिकनी चिंतित क्यों हैं? क्या बताऊं तिवारी जी, विभू ने ना कल रात को एक बहुत ही अजीब और गरीब हरकत की। क्या हरकत की भाभी जी, आप हमें बताइए, हम उनके गुर्दे छील दें क्या, बताइए हमें। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, आप पहले ही मियां से बाहर निकलना शुरू कर देते, अपना ही राग छेड़ देते। बताइए भाभी जी, बताइए। जब से विभू को गधे ने काटा है ना, वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। क्या हरकत की भाभी जी, कोई दुलत्ती उलत्ती मार दी क्या? नहीं नहीं, वो जैसे गधे करते है ना। ऐसे कर रहा था। कैसे कर रहे थे भाभी जी, कैसे कर रहे थे, जरा बताइए। ऐसे ही गधे जैसे। कैसे? ऐसे। क्या बात है भाभी जी, आप ऐसे करती हुई कितनी क्यूट लग रही है, बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। एक बार और, एक बार, एक बार, एक बार जैसे। मैं यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ आपके सामने और आपको आनंद आ रहा है इसमें? एक तो मेरा पति गधे जैसी हरकतें कर रहा है, ऊपर से आपको मजाक सूझ रहा है? भाभी जी, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका मूड लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा मेरा मूड लाइट, कैसे? मेरा हस्बैंड अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, कल तो वो खास खाने का भी दिल कर रहा था ऐसा बोल रहा था। भाभी जी, हमारे लॉन में भेज दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है। तो बताइए भाभी जी, हम आपकी सेवा में क्या करें? भभूती जी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले चले? आपके सामने तो मुंह खोलना ही पाप है। क्यों क्यों रोया मैंने अपना दुखड़ा आपके सामने? आपसे बात करना ही बेकार है। नहीं भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। आपका तात्पर्य गया घुइया के खेत में। आपको क्या लगता है मेरा हस्बैंड विभू कोई जानवर है कि मैं उसे जानवर के डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? मुझे तो लगता है आपको आपको जानवरों के डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। मैं अभी फोन कर देती हूँ। अरे भाभी क्या कर रही हैं? बोलती हूँ कि आपका दिमाग फिर गया है। अरे भाभी जी क्या कर रही हैं आप? कर देती हूँ, फोन कर देती हूँ। इनका दिमाग तो वाकई फिर गया है। तिवारी जी भी ना दिमाग का तही कर देते हैं। हाय राम, ये वो कहीं सच में गधा तो नहीं बन रहा है? कहीं सच में उसको जानवरों के डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाना पड़ेगा? अरे भाभी जी आप, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग भाभी जी। तिवारी जी, ये सब क्या क्या है ये? यही हकीकत है भाभी जी। लेकिन तिवारी जी, कल रात तक तो आप बिल्कुल जवान थे, अचानक सुबह आप बुजुर्ग कैसे हो गए? भाभी जी, कल तक चांद पर काले बादल थे, इसलिए सबको चांद जवान लग रहा था, लेकिन हकीकत में चांद बुजुर्ग है। काली बदली छट चुकी है, उम्र बरस कर सफेद हो चुकी है। इसका मतलब आपकी उम्र? जी कागजों में 60 साल। Oh my God! तिवारी जी, आप 60 साल के हैं? जी भाभी जी। लेकिन तिवारी जी, कल तक तो आप बिल्कुल 60 साल के नहीं लग रहे थे। वो क्या है ना भाभी जी की, कल तक हमारी बुजुर्गियत की पुरानी इमारत पर जवानी का पलस्तर चढ़ा था, लेकिन पलस्तर ताउम्र तो नहीं रहेगा, छूट गया, सच छूट गया। ये बुजुर्ग इमारत
आपके सामने खड़ी है भाभी जी। यकीनन यकीनन, इतना खूबसूरत अंदाज तो सिर्फ एक बुजुर्ग का ही हो सकता है। और आपने कितनी खूबसूरती से अपनी उम्र बयां की है। जी भाभी जी, लगता है आपको बुजुर्गों में खासी दिलचस्पी है। जी तिवारी जी, एक्चुअली बचपन से ही ना मुझे बुजुर्ग लोग बहुत पसंद हैं। मेरा तो बस चलता तो मैं शायद एक बुजुर्ग से ही शादी कर ली। सॉरी एक्सक्यूज मी, फिर आपने एक बच्चे से शादी क्यों की? हाँ तिवारी जी, आपने सही कहा। विभू में ना बचपना बहुत है, बच्चा है वो। अब क्या करूं, बच्चे से प्यार हो गया। लेकिन वैसे ना मेरी बुजुर्ग लोगों से दोस्ती रही है। अच्छा जी। तो भाभी जी, हमारी दोस्ती का एक धुंधला सा सितारा क्या आप जैसे चांद के इर्द गिर्द चंद क्षणों के लिए टिमटिमा सकता है? ऑफ कोर्स तिवारी जी, आप इतने खूबसूरत मैच्योर डीप अंदाज में अपनी दोस्ती के लिए प्रपोज करेंगे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। हमारा बस चले तो हम तो आपको अपनी मोहब्बत के लिए भी प्रपोज कर दें। तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा एक बुजुर्ग तिवारी जी से मिलकर। आपने तो सुबह सुबह मेरा मूड ही अच्छा कर दिया। आपने भी हमारा। चलिए फिर मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ। जी हम भी साथ चले। नहीं नहीं तिवारी जी, नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप कैसे मेरे साथ जॉगिंग कर पाएंगे? एक काम करते हैं, नाइट वॉक पर चलते हैं। वैसे भी बुजुर्गों के साथ नाइट वॉक करके बातचीत करने में क्या मजा है। जी हमें उस नाइट का रात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी, जी उस बच्चे को साथ मत लाइएगा। अरे नहीं नहीं, वो हमारी मैच्योर बातें सुनकर बोर हो जाएगा। मैं आती हूँ फिर रात में नाइट वॉक के लिए। ओके बाय तिवारी जी। बाय भाभी जी। बाय भाभी जी। बाय। आनंद आ गया।